साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत है। कोविड के इस दूसरे दौर में हम घर में रहकर किस तरह संक्रमण से जूझ सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। कोविड का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हमें पता है कि अधिकतर कोविड के रोगी 100 में से 80 घर के देखभाल में ही ठीक हो जाएंगे। कई कोविड के संक्रमित व्यक्तियों को कोई लक्षण नहीं होते और इन्हें एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। कोविड संक्रमण का सबसे बड़ा भय है ऑक्सीजन की कमी, लेकिन अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पर ऑक्सीजन पता करने का एक सरल औजार है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। घर पर कोविड से जूझने के लिए इन दो औजारों का इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा, एक पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा थर्मोमीटर। कोविड के कई लक्षण हो सकते हैं। एक प्रकार का लक्षण है बुखार, हरारत, जुकाम या कमज़ोरी। कभी कभी दस्त से भी कोविड शुरू होती है। एक चीज़ जो कई काफ़ी जगह पाई गई है वो है सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है अचानक। अगर कोविड का शक है तो ज़रूर जांच करना ज़रूरी है, लेकिन आजकल हर जगह जांच नहीं मिलती। उस परिस्थिति में मानकर चलें कि व्यक्ति को कोविड है और घर पर ही देखभाल शुरू कर दें। कोविड के मरीज के घर में देखभाल उतना कठिन नहीं है, मुश्किल है उनको अलग से रखना बहुत ज़रूरी है ताकि संक्रमण ना फैले। बार बार बुखार को नापें और ऑक्सीजन की कमी कम से कम दिन में 2-3 बार नापना ज़रूरी है। ऑक्सीजन की मात्रा 94 अंक से अधिक हो तो चिंता की कम बात होती है। अगर 92 अंक कम हो तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। अगर 94 और 92 के बीच में हो तो उस व्यक्ति को कुछ व्यायाम करना है जो पीछे दिखाया गया है। जिनका ऑक्सीजन 94 से घट गया हो तो उनको पेट के बल सोना चाहिए। पेट के नीचे एक तकिया रखें, सर के नीचे एक तौलिया रखें और इस तरह पेट पर लेटकर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक सांस लेते रहें। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जिन व्यक्तियों को कोविड है और घर पर इलाज चल रहा है उनका इलाज काफ़ी सरल है। पहली बात तो उनको सरल पौष्टिक भोजन चाहिए। उनको बार बार ORS का घोल देना पड़ेगा, दिन में कम से कम 3 लीटर। नाक बंद हो तो भाप लेकर नाक खोलने की कोशिश करें। बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली, साथ में मल्टीविटामिन और जिंक की गोली भी कोविड के मरीज के लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई शक हो, कोई और सवाल हो तो ज़रूर सरकारी या प्रमाणित किसी डॉक्टर से ज़रूर पूछें। इसके अलावा और कोई दवाई और कोई इलाज मत कीजिएगा। घर में कोविड हो तो दूसरे व्यक्तियों को बच के रहना बहुत 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 ज़रूरी है। संक्रमित व्यक्ति को एक दूसरे कमरे में रखना चाहिए ताकि उनसे दूसरे दूर रहें। उस व्यक्ति को ढाढ़स बढ़ाएं और साथ में घर के सारे खिड़की दरवाजे जितना संभव हो खुला रखें ताकि वायरस खाली हवा में बिखर जाए। हमें उम्मीद है कि इन सरल टिप्पणियों से आपके घर में अगर कोविड का कोई संक्रमण हो तो आपको उसे संभालने में सुविधा होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा।